हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की स्टूडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनका आप यूज करके अपने फ्रेंड्स या फिर अपने एनिमीज को सरप्राइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इन वाले ट्रिक्स का यूज करके अपनी रैंक को भी काफी इजीली पुश कर सकते हैं। तो वीडियो का एंड तक आप जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, वाली ट्रिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और इस वाली ट्रिक का यूज करके आप अपनी रैंक को यहाँ काफी इजीली पुश कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको ये वाली गाड़ी या फिर किसी जीप की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, और जीप को या फिर ये वाली गाड़ी को लेने के बाद आपको यहाँ पे कचरे का डब्बा दिखेगा, आपको उसके सामने चले जाना है। और उसके सामने जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बैठ जाना है, और अपने फ्रेंड को यहाँ पे बोलना कि वो आपको गाड़ी से धक्का दे, और जैसे वो यहाँ पे धक्का देगा फिर आपको यहाँ पे एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस, आपको अपने फ्रेंड को यहाँ पे बोलना है कि वो बिल्कुल आराम से आपको धक्का दे, नहीं तो आप ये गाड़ी के ऊपर ऐसे बैठ जाओगे। तो आपको यहाँ दोबारा से सामने की तरफ बैठना पड़ेगा, और अपने फ्रेंड को बोलना बिल्कुल आराम से यहाँ पे धक्का दे, उसके बाद आपको यहाँ फिर एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ही मेरे फ्रेंड ने मुझे आराम से धक्का दिया तो मैं यहाँ अंदर की तरफ आ गया हूँ। और ये ऐसी लोकेशन है यहाँ पे आपको एनिमी कभी भी स्पॉट नहीं कर पाएगा, और आप यहाँ बैठ के आराम से अपनी रैंक को यहाँ काफी इजीली पुश कर सकते हैं। और गाइस, आपको ये वाले गार्बेज बॉक्स रास्ते में काफी सारे देखने को मिल जाते हैं, तो आप किसी भी गार्बेज बॉक्स के सामने ऐसे बैठ सकते हैं और आराम से अपने फ्रेंड से यहाँ पे धक्का मारने के लिए बोल सकते हैं। फिर आप यहाँ अंदर की तरफ आ जाएंगे, और आप यहाँ आराम से अपनी रैंक को यहाँ इजीली पुश कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से अपने एनिमी को किल करना है तो आपको यहाँ पे ग्रेनेड का यूज़ करना होगा। अगर आपने यहाँ गोली मार के अपने एनिमी को मारने की कोशिश करी तो आपको यहाँ पे बस फेक डैमेज दिखेगा। सो गाइस, आपको वाली ट्रिक यहाँ कैसी लगी, अगर आपको वाली ट्रिक यहाँ पसंद आए तो कमेंट करके आप जरूर बताना। तो चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो गाइस, ये वाली ट्रिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इस वाले ट्रिक का यूज़ करके जब भी आपकी गाड़ी कहीं पे भी फंस जाएगी तो आप आराम से अपनी गाड़ी को बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, जब भी हमारी गाड़ी कहीं पे भी फंस जाती थी तो हम यहाँ लेट के आराम से गाड़ी को धक्का मार के उसे हिला सकते थे, लेकिन जब से अपडेट आया तब हम ये नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका आप यूज़ करके आराम से अपनी गाड़ी को फिर भी यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो अब आप मेरे को यहाँ बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। सो गाइस, अब मान लो आपकी गाड़ी यहाँ पे फंस चुकी है, और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैं यहाँ एक्सेलेटर वाला बटन भी दबा रहा हूँ और पीछे भी कर रहा हूँ, लेकिन गाड़ी मेरी यहाँ से नहीं निकल रही है। तो अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका आप यूज करके अपनी गाड़ी को यहाँ से काफी आसान से निकाल सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको अपने ग्रेनेड को हाथ में अपने आप को नॉकआउट कर लेना है। तो अभी आप सोचोगे कि मैं यहाँ तो गाड़ी को बाहर निकालने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को यहाँ नॉकआउट क्यों कर रहा हूँ। तो अब आप मेरी यहाँ पे शक्ति को देखना, मेरे करेक्टर में यहाँ काफी ज्यादा ताकत आ जाएगी। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जो काम मेरा करेक्टर पहले नहीं कर पा रहा था वो काम अब नॉकआउट होने के बाद कर पा रहा है। और इस वाले ट्रिक का यूज करके आप अपने फ्रेंड को भी यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो, और साथ ही साथ आप यहाँ से गाड़ी को भी बाहर की तरफ निकाल सकते हो। और ये वाली ट्रिक हर कार के साथ यहाँ पे वर्क करती है, तो अभी मैं आपको इस वाली कार के साथ भी ये ट्रिक करके दिखाता हूँ। सो गाइस, मेरे पे यहाँ पे काफी कम टाइम बचा होता है, तो अब मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड को बोलता हूँ कि वो मेरे को यहाँ पे रिवाइव कर दे, फिर मैं आगे जाके आपको वाली ट्रिक दोबारा से दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मेरे पे ग्रेनेड तो नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी को यहाँ जोन के पास ही ले आया हूँ। तो मैं यहाँ जोन से नॉकआउट हो जाऊंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे नॉकआउट हो जाऊंगा फिर मैं आपको ये वाली ट्रिक दोबारा से यहाँ पे दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कैसे मैं यहाँ गाड़ी को आराम से यहाँ पे धक्का मार के आराम से उधर उधर कर पा रहा हूँ। सो गाइस, आपको वाली ट्रिक यहाँ कैसी लगी, अगर आपको वाली ट्रिक यहाँ पसंद आई तो कमेंट करके आप जरूर बताना। तो चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो गाइस, हमारी वाली ट्रिक भी है काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, और इस वाली ट्रिक का यूज करके आप सोशल जोन के सारे बंदों को यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ शॉप के पीछे वाली साइड चले जाना है, और आपको यहाँ टेबल के ऊपर जाके बैठ जाना है। तो जैसे आप यहाँ टेबल के ऊपर जाके बैठ जाओगे तो आपको अपने सरबोर्ड को यहाँ पे खोल लेना है, और सरबोर्ड को खोलने के बाद आपको फ्री लुक वाले बटन को ऐसे अपने कर लेना है। और गाइस, आपको अपने फ्री लुक वाले बटन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आपको ऐसे करने के बाद अपने स्प्रिंट वाले बटन पे प्रेस करना है, उसके बाद आपको हवा में अपने सरबोर्ड से उतरने के बाद स्प्रिंट वाले बटन पे प्रेस करना है। तो जैसे ही आपका करेक्टर ऐसे भागने लगेगा फिर आपको यहाँ पे वेट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक मैजिक देखने को मिलेगा। सो गाइस, बस आपको यहाँ थोड़ी देर तो भागते रहना है और भागते रहना है, और जैसे ही आप यहाँ थोड़ी देर हो जाए तो आप यहाँ अपने फ्री लुक वाले बटन को छोड़ देना, उसके बाद आपको यहाँ पे एक मैजिक देखने को मिलेगा।
सो गाइस जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जैसे मैंने अपने फ्रीलो वाले बटन को यहाँ पे छोड़ा है तो यहाँ पर एक ग्लिच हो गया है। तो अब आपको अपने सरबोर्ड को यहाँ पे खोल लेना है, और जैसे ही आप सरबोर्ड को खोलोगे फिर आपको यहाँ पे एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। सो गाइस आ चुके हैं हम शॉप के अंदर, और ये ऐसी ट्रिक है, इस वाली ट्रिक का यूज करके आप अपने फ्रेंड या फिर जितने भी एनिमीज हैं यहाँ पे उन सबको यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो, क्योंकि शॉप के अंदर आने का कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ पे दूसरे बंदे आपको यहाँ पे देखेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे सरप्राइज हो जाएंगे। सो गाइस आपके वाली ट्रिक यहाँ कैसी लगी, अगर आपके वाली ट्रिक भी यहाँ पसंद आए तो कमेंट करके आप जरूर बताना। तो चलते अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो गाइस हमारी जो आखिरी वाली ट्रिक है वो सबसे ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो इस वाले ट्रिक के लिए आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको अपने फ्रेंड के साथ सोशल जोन के अंदर चले जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पीछे की साइड टायर के पास चले जाना है। तो जैसे ही आप यहाँ टायर के पास चले जाओगे तो आपको भी अपने फ्रेंड को यहाँ पे बुला लेना है, फिर आपको वहाँ पे मेरे को ध्यान से फॉलो करना है। सो गाइस अब आपको अपने फ्रेंड को यहाँ पे बोलना है कि वो सरबोर्ड को खोल के अपने टायर के बीच में खड़े हो जाए, और जैसे वो टायर के बीच में खोल के अपने सरबोर्ड को खड़ा हो जाएगा फिर आपको अपने फ्रेंड के ऊपर जंप करके खड़े हो जाना है, और अपने गेम को 2 से 3 सेकंड के लिए मिनिमाइज कर लेना है। और जैसे आप ये करेंगे फिर आपको यहाँ पे एक मैजिक देखने को मिलेगा। सो गाइस जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैं और मेरा फ्रेंड यहाँ पे हवा में उड़ने लगे, और हम उड़ते उड़ते सबसे ऊपर की तरफ यहाँ चले जाएंगे, और लेकिन हम ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा सबसे ऊपर जाके एक इनविजिबल वॉल है जिससे हम टकरा के वापस से नीचे की तरफ आ जाएंगे, लेकिन ऐसे आप उड़ते उड़ते दूसरे बंदों को यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हैं, क्योंकि वाली ट्रिक सारे बंदों को यहाँ पे दिखेगी, और जैसे ही वो आपको यहाँ पे देखेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे सरप्राइज हो जाएंगे। सो गाइस जितनी भी ट्रिक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई उस सारी ट्रिक्स आपको यहाँ कैसी लगी, अगर आपको सारी ट्रिक्स यहाँ पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी इन ट्रिक्स का यूज़ कर सके और अपनी रैंक को यहाँ काफ़ी इजीली पुश कर सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।